तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान फॉर यू। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास रहेगा। मैंने इससे पहले वाला वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जिसको जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन है, कमेंट करें, उसका सारा रिप्लाई मैं दूंगा। तो इस वीडियो में जितने कमेंट आए हैं मेरे पास उस वीडियो के, सबका मैं रिप्लाई देने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिए आप लोगों का, हो सकता है बहुत कोई कमेंट ना किया हो तो उसको भी हेल्प हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन है ये सब सिर्फ क्वेश्चन वाला सबको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बाकी सबको मैं नहीं बताऊँगा। बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि वीडियो अच्छी है ये सब भी लिखते हैं, तो वो सबको नहीं बता रहा हूँ। जिसका सिर्फ क्वेश्चन है वही सबको रिपीट करके मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देखिए प्रदुमन कुमार के नाम से ये कॉमेंट आया है। सर क्या सर अदर स्टेट के लड़कों के लिए भी कुछ गाइड करें? अदर स्टेट के लिए क्या इस पोस्ट के लिए जो भी कहीं से भी अप्लाई किए हैं सबके लिए मैं गाइड कर रहा हूं, लेकिन आपका एक पॉइंट दीजिए, आपका क्वेश्चन क्या है, गाइड में किस रिलेटेड करूं आपको? गाइड तो मैं शुरू से अंत तक अभी तक कर ही रहा हूं आप लोगों को, तो आपका क्वेश्चन को आप फोकस कीजिए, बढ़िया से लिखिए। अगला अहमद का आया है एक कमेंट, हम कोडरमा से अप्लाई किए थे क्या किए हैं होना चाहिए, किए ही हैं आप लोग जनरल में, तो हमको कोई कास्ट या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं दिखाना पड़ेगा ना? देखिए कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है सबसे पहले ये समझ लीजिए आप लोग। कास्ट सर्टिफिकेट वही होता है जैसे एससी एसटी और BC1 BC2 यानी कि OBC, ये सबको अपना सर्टिफिकेट शो कराना पड़ता है कि सही में मैं एससी हूँ एसटी हूँ, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए वो चीज़ दिखाना पड़ता है। लेकिन जनरल क्या होता है, जनरल का आप सर्टिफिकेट दिखाएंगे तब भी आप जनरल ही रहेंगे, सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे तब भी आप जनरल ही रहेंगे, तो उसके लिए आप सर्टिफिकेट दिखाएं नहीं दिखाएं ऐसा सर्टिफिकेट नहीं लगता है जनरल का, आप लोग बिंदास रहे उसके लिए। अगला क्वेश्चन है रेशमी केसरी का, अभी बनवा लें क्या सर जनरल के लिए? तो अभी बनवा के कोई फ़ायदा नहीं है, अभी ये सब में दिमाग लगाइएगा आप लोगों का, वही टाइम बीत जाएगा। बाकी जितने सर्टिफिकेट वगैरह हैं डॉक्यूमेंट्स है वो सबको तैयार कीजिए अच्छा से और उस पर फोकस कीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है रेशमी केसरी का ही दिया गया है, वही वाला क्वेश्चन था, सर जनरल का निवासी भी लगेगा क्या? देखिए कास्ट सर्टिफिकेट अलग चीज़ हो जाता है, निवासी सर्टिफिकेट अलग चीज़ हो जाता है। निवासी सर्टिफिकेट से आप लोग का ये चीज़ प्रूव हो जाता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये तो आपको लगेगा ही, आप जनरल रहे ओबीसी रहे कोई भी रहे ये आप लोगों का लगेगा ही। उसके बाद अगला क्वेश्चन ऑफिशियल सोरेन ऑफिशियल के नाम से आया है, सर प्रोविजनल भी लगेगा क्या? देखिए प्रोविजनल का यहाँ पे कोई नोटिस पे दिया नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं प्रोविजनल के बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि कैसे, अपने मन से तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जितने आप लोगों के पास सर्टिफिकेट है सब आप लोग जेरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करके आप लोग पकड़े रहिए, क्योंकि उसके फेवर में रिप्लाई भी लड़का ने दिया कि भाई प्रोविजनल क्यों लगेगा जब ओरिजिनल है, तो वही मैं बता रहा हूँ, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है तो प्रोविजनल का तो ऐसा जरूरी पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि प्रोविजनल यहाँ पे नोटिस में दिया भी नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन जाने क्यों नाम से आया हुआ है, सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नंबर ये है, दिया गया है यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर, लेकिन मैं ऑनलाइन भरते टाइम 156489 डाला क्योंकि पूरा इनपुट नहीं आ रहा था। ओके कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन भरते टाइम अगर अलग डाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अगर आप लोग लेके जाइए आपका ओरिजिनल वाला, वहाँ से आप लोग मैच करा लीजिएगा, दिखा दीजिएगा, उन लोगों को भी पता है कि कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर जो होता है वो किस टाइप से होता है, आप लोगों का फोटो नाम एड्रेस ये सबसे पता चल जाएगा उन लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट के नाम से आया है, सर मेरा मैट्रिक का एडमिट कार्ड खो गया है, DB पर प्रभाव पड़ेगा क्या? एडमिट कार्ड कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मैट्रिक का अगर खो गया है तो, क्योंकि मैट्रिक का एडमिट कार्ड वहाँ पे नहीं मांगेगा आप लोगों को, आप लोगों का एडमिट कार्ड सिर्फ मांगेगा आपका जो कौशल परीक्षण जो हुआ था लिखित वाला और कौशल वाला जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट, ये दोनों का आप लोगों का लगेगा, दोनों का ही जरूरी है, ये मैट्रिक का यहाँ पर नहीं दिया गया है। मैट्रिक का वो एडमिट कार्ड एक तरह से होल टिकट का रहता है, उसका सिर्फ एग्जाम भर तक का काम रहता है। टारगेट अगला क्वेश्चन हम लोगों का राकेश सिंह के तरफ से दिया गया है, देखिए साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से किनका किनका हुआ है, ये खुद से पूछ रहे हैं कमेंट करके किनका किनका हुआ है, आप लोग रिप्लाई दे दीजिएगा। मधुमिता कुमारी का एक क्वेश्चन आया है, सर अदर स्टेट गर्ल का मेरिट बॉयज दोनों का इक्वल होगा? हाँ ये चीज़ तो इक्वल ही होगा, क्योंकि आप लोग स्थानीय निवासी नहीं है तो आप लोगों को इस चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा, बाहर से जो भी आप लोग लिखे हैं ये सबका इक्वल रहेगा। उसके बाद
अगला क्वेश्चन दिया गया है माही खान। इसका क्वेश्चन है, सर मेरा किसी प्रॉब्लम से 2 साल गैप है इंटर में, तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा फॉर्म भरते टाइम थोड़े कहीं पे नहीं मेंशन किया गया था कि गैपिंग वाले जितने भी स्टूडेंट हैं 10th 12th के बीच में, ये सब का कुछ प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन लोगों को सिर्फ क्वालिफाइड बंदे चाहिए, क्वालिफाइड स्टूडेंट चाहिए जो 10th और 12th कंप्लीट किए हुए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कुंदन सिंह। कुंदन सिंह का क्वेश्चन दिया गया है, फॉर्म फिल करते टाइम स्कूल में ओ के जगह पे ई हो गया था, तो ये सब, और इसका अगला आगे भी क्वेश्चन है, बहुत लंबा है इसका, हो गया था खान के खान से एफिडेविट बनवाना होगा, जिसे डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किए थे कि, या जिस डिस्ट्रिक्ट के स्कूल, वहाँ से कोर्ट से करवाना पड़ेगा। ये एफिडेविट अगर आप लोग करा लिए हैं आप कुंदन जी, तो अच्छी बात है, नहीं कराए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओ के जगह पे अगर ई हो गया है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने बार बार यही बात बता रहा हूँ कि उन लोगों के पास एक ही सर्टिफिकेट, एक ही डॉक्यूमेंट नहीं है आप लोगों को वेरिफिकेशन करने के लिए। एग्जाम के टाइम में आप लोगों को याद होगा, आप लोगों का थंब भी लिया गया था, आप लोगों का फोटो भी खींचा गया था, उस सबसे भी वो लोग वेरीफाई करेंगे। अगला दिया गया है अजय सिंह का कमेंट आया है, माई फर्स्ट एडमिट कार्ड लॉस्ट, व्हाट इज सॉल्यूशन? फर्स्ट मतलब इनका लिखित का खो गया है। तो भाई जी क्या नाम है, अजय सिंह आप अपना देख लीजिए, अगर कहीं से मिल जाता है, मेल वगैरह कहीं पे रखे हैं तो बढ़िया बात है, क्योंकि नोटिस में साफ साफ लिख दिया गया है ये लिखित परीक्षा एवं कौशल बीच जो परीक्षा हुआ था, कंप्यूटर स्किल टेस्ट एवं दिया गया है, मतलब आप लोगों को दोनों लगेगा, अथवा नहीं दिया गया है कि आप लोगों का दोनों में से कोई एक, तो ये आप लोग ठीक से ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए आपको खोजिए, या तो फिर JSSC से एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है साक्षी कुमारी का, ऑनलाइन जो कास्ट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो बना है वो प्रविष्ट 2 के अकॉर्डिंग ही है ना? ये अकॉर्डिंग ही है ना, ये तो मैं आपका देखूंगा, उसके बाद ही बता पाऊंगा। मैं सिर्फ प्रशिष्ट में जो दिया गया है उसके बारे में बता सकता हूँ। आप लोग इसी तरह से मैच कर सकते हैं कि प्रशिष्ट में जो दिया गया है 2 में, उसमें देखिए जो जो ब्लैंक दिया गया है वो सब जो भरा गया है, क्या आपके यहाँ जो है ऑनलाइन वाला उसके साथ मैच करता है? अगर मैच करता है तो सही है, वो चीज़ कोई दिक्कत नहीं है। जो ब्लैंक छोड़ा गया है वो सब मिल जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अंजलि गोप का, सर्टिफिकेट CO से बना हुआ है, इसका कोई सोल्यूशन बताइए। तो CO से बना हुआ है तो इसमें सोल्यूशन मैं क्या बता सकता हूँ, ये ब्लॉक वाला ही बता सकते हैं। आप लोग ब्लॉक में एक बार कॉन्टेक्ट कीजिए, SDO वाला किस तरह से बनता है देखिए, आप लोग पूछिए कितना जल्दी बन सकता है, वो चीज़ आप लोगों को ब्लॉक वाले ही बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिली कुमारी का दिया गया है, सर मैंने फॉर्म फिल करते वक्त CO लेवल का कास्ट और रेसिडेंशियल दिया था, लेकिन फॉर्म में SDO लिखा दिया क्योंकि उस टाइम मेरे पास नहीं था, अब 2018 में बन के आया है, रिजेक्ट ही करेगा क्या, या कोई उपाय हो सकता है? उपाय क्या हो सकता है, आप लोग एक बार ब्लॉक वाले से कोऑर्डिनेट करके देखिए, मिल के देखिए, ऐसे आप लोगों के पास SDO वाले बना है तो ठीक ही है, या तो फिर आप लोग JSSC वाले से एक बार बढ़िया होगा कि बात कर लीजिए कि इस तरह से मेरा फॉर्म भरे थे और इस तरह से बन के आया है, तो ये समय कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, आप लोग जो बन के आया है उसी को सबमिट कीजिए, अभी अगर बनाने जाइएगा तो 1-2 दिन में ये चीज़ बनता नहीं है। विष्णु मार्डी, इसका आया है ऑनलाइन वाला कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा कि नहीं? क्यों नहीं चलेगा, सब चलेगा, ऑनलाइन ही आजकल बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है संगीता उराव का, सर प्लीज रिप्लाई कीजिएगा, मेरा रेसिडेंशियल ऑनलाइन वाला है तो चलेगा या नहीं चलेगा, और कास्ट सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन वाला है 2013 का, उसका क्या? कोई दिक्कत नहीं है, 2017 से पहले वाला का मांगा गया है तो आपका 2013 का है तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन हो, जो डेट दिया गया है उससे पहले का ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नेहा खान का, सर मेरा कंप्यूटर जनरेटेड रेसिडेंशियल है, कोई इशू तो नहीं है ना? कोई इशू नहीं है, बेफिक्र होकर आप लोग जाइए और उसका वेरीफाई कराइए। मनोज कुमार पॉल, इसके तरफ से ही कमेंट आया है, जिसने पूछा है कि सर डिस्ट्रिक्ट वाइज कटअप के लिए एग्जिट पोल कीजिए सर। तो एग्जिट पोल अभी तो कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ा बहुत सारे कैलकुलेशन करना पड़ता है,
तो इसके लिए अभी मेरे पास फिलहाल टाइम नहीं हो पाता है। खुद मैं दिन में ड्यूटी करता हूँ अपना, 8 घंटा ड्यूटी करके शाम में आके जो टाइम मिलता है उसी में आप लोगों को मैं हेल्प करता हूँ। साथ ही साथ मेरा एक दूसरा चैनल है जिसको नहीं पता है, टेक्नो भरी, उसमें भी मेरे को टाइम देना पड़ता है, तो इसी की वजह से नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कटअप वगैरह निकाल के आप लोगों को बताने का। मनीषा कुमारी का है, सर आधार कार्ड में पापा के नाम में स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है, तो ये प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अगर प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोगों का सर्टिफिकेट सब में भी तो और रहता है आपके पास, अगर और आधार कार्ड नहीं है तो जैसे पैन कार्ड वगैरह होगा तो वो सब में तो सही रहेगा ही, या तो और भी बहुत सारे अदर डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब में सही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो राहुल कुमार का कमेंट यहाँ पे जैसे दिया गया है, सर अंडजब डिस्ट्रिक्ट से ओबीसी का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं लगेगा क्या? जैसे मैंने आप लोगों को बताया, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अलग चीज़ हो जाता है, ये आप लोगों का स्थान किससे रिलेटेड हो जाता है, ये तो आप लोगों का लगेगा ही, वो चाहे अंडजब रहे मतलब ओबीसी का रहे या जनरल का रहे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राहुल कुमार, राहुल कुमार का कमेंट में जो पूछा गया, जिसका लिखा हुआ है उसे पता चलता है कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, प्लीज सजेस्ट, मेरा वैसे प्रमाण पत्र खो गया है। तो ये आप लोग कहाँ लिखा हुआ है, कितने पॉइंट लिखा हुआ है, ये चीज़ आप लोग एक बार पॉइंट देके दीजिए, किस पॉइंट को पढ़ के आप ऐसे समझे हैं और मेरे को बताए हैं, जिसे ऐसा नहीं कि आप लिख दिए हैं कि जैसा लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि मैं पूरा नोटिस को भी फिर से पढ़ के आपको रिप्लाई दे दूँ। आप पॉइंट लिखिए कि इतना पॉइंट में ये चीज़ दिया गया है, उस पॉइंट को मैं पढ़ के आप लोगों को समझा दूंगा। अगला पॉइंट मेघा पंडे का दिया गया है, सर मेरा निवासी निवास 1/6/2017 का है, ऑनलाइन निकाला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का ऑनलाइन निकाला हुआ है या ऑफलाइन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोगों का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पूजा कुमारी के अगला दिया गया, सर मेरा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में विलेज नेम मिस्टेक है, मिस्टेक है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी मिस्टेक है अभी अगर मिस्टेक सुधारने जाइएगा तो आप लोगों का 15-20 दिन लग जाएगा, तब तक में तो यहाँ पे रिजल्ट भी आ जाएगा आई थिंक। तो ये सब आप लोग मत देखिए, जितने सर्टिफिकेट हैं आप लोग ले के जाइए, जो चीज़ आप लोगों से हो पाता है एफिडेविट वगैरह कराना ये सब अगर करा सकते हैं तो करा लीजिए, लेकिन अभी अगर सुधारने जाइएगा तो टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं है आप लोगों से अगर 2-3 दिन में सुधारा जा सकता है तो सुधार लीजिए, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो उसी को शो करा दीजिए। मेघा पंडे अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर रिजर्व डिस्ट्रिक्ट का निवास जो बनाया है वो 24/7/2017 से पहले का चाहिए या अभी का चाहिए? नहीं, 2017 जो दिया गया है 24/7/2017 उससे पहले का ही चाहिए, अभी का नहीं चाहिए। उसके बाद अगला दिया गया केसरी अमन केसरी का दिया गया है, मेरा मैट्रिक सर्टिफिकेट में स्कूल नेम शॉर्ट फॉर्म में है बट मैंने फॉर्म भरते समय फुल नेम डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, फुल नेम डाले हैं या शॉर्ट नेम डाले हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद उस मनी नाम से एक आया है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में मोहर भी मरवाना होगा क्या? मोहर भी मरवाना होगा क्या डीसी का? तो आप लोग अगर बन गया है आपका तो अभी आपको नहीं करना है कुछ भी, ये आप लोग अप्लाई किए बन के आ गया, जो बन के आया वो मुहर मरवा के आया है या नहीं आया है उससे कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको उसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, जो आपके बन के आया है जो भी उसी को शो कराना है। उसके बाद टेक्निकल लाइन, इसका एक क्वेश्चन है, सर वन क्वेश्चन फ्रॉम मी, क्या क्वेश्चन है ऊपर में अलग से उसने लिखा हुआ है, सर मेरा कास्ट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में एड्रेस अलग अलग है बट डिस्ट्रिक्ट सेम है, तो एड्रेस अलग अलग है तो आप लोग देख लीजिए, अपडेट करा के देख लीजिए, ब्लॉक से एक बार कोऑर्डिनेट करिए, बात करके देखिए, अगर जल्दी में हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप लोगों को आपको यही वाला लेके जाना होगा। उसके बाद नेहा सिंह, इसका एक क्वेश्चन है, कोई जनरल गर्ल्स को 220 में डीवी यानी कि जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिए बुलाया प्लीज़ बताइए, 220 में मतलब ये 220 में क्या होता है पता नहीं, नंबर लिखे हैं या क्या लिखे हैं आप लोग इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद मनीष सिंह, इसका एक कमेंट आया, सर मेरा पीटी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो आप लोग खोजिए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है कि एवं लिखा हुआ है, आप लोगों को दोनों का ही चाहिए। अभिषेक सिंह, सेकंड लिस्ट कैसे आने का चांस है? भाई ये चांस तो मेरे को भी नहीं लगता है,
लेकिन नोटिस में दिया गया है कि सपोज दैट अगर आप लोगों की जो भी वैकेंसी निकाली गई है उसमें अगर कैंडिडेट अच्छे से सेलेक्टेड नहीं होते हैं, ज़्यादा सेलेक्ट नहीं होते हैं, तो सेकंड लिस्ट निकाला जा सकता है। उसके बाद नवीन कुमार पंडित का दिया गया है, सर इंटर का मार्कशीट नहीं ले जाना है ना, नहीं ले जाना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग सब कुछ लेके जाइए। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ वहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं वही सबको लेके जाएं, बाकी सबको घर में छोड़ दें। आप लोगों के पास सर्टिफिकेट अगर है तो जितने भी सर्टिफिकेट हैं सब ओरिजिनल भी पकड़े रहिए, साथ ही साथ दो दो जेरोक्स कॉपी भी वो सबका पकड़ के सिग्नेचर करके रखे रहिए। राजेश कुमार का दिया गया है, 6 का गा समझ में नहीं आया, क्रीमी लेयर वाला। क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है कि वहाँ पे देखिए आप लोगों का प्रशिष्ट वाला जो फॉर्मेट दिया गया है फॉर्म भरते टाइम जो प्रोस्पेक्टर में दिया गया है नीचे में, उसके आधार से आप लोगों का होना चाहिए। उसके आधार से मतलब जितने थियोरेटिकली लिखा हुआ है उस सर्टिफिकेट में सेम टू सेम मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन उसमें जो ब्लैंक दिया गया है नाम वगैरह पिता का नाम या एड्रेस जो भी वहाँ पे ब्लैंक दिया गया है वो सब मिलना जरूरी है, तो ये सब आप लोगों को मिलाना है। उसके बाद मानी रानी, इसका एक क्वेश्चन दिया गया है कि सर बीआई के में चित्रे, यहाँ पे एक्चुअली ये लोग हिंदी में अगर आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब जैसे क्षैतिज आरक्षण महिला ये सबको इंग्लिश में वो लोग लिखे हुए हैं, तो ये सब आप लोग हिंदी में लिखेगा तो बढ़िया होगा, क्योंकि कुछ कुछ हर किसी का चैटिंग करने का अलग अलग तरीका होता है। बहुत कोई हाय का HAI लिख देते हैं, कोई H खाली लिख देता है, कोई HAY लिख देता है, तो इसमें प्रोनाउंसिएशन पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, झारखंड स्टेट के बाहर वाले का भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा क्या? नहीं, ये सबको तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऐसा नहीं मांगना चाहिए, लेकिन आप लोगों के पास अगर है तो ज़रूर से आप लोग पकड़े रहिए इस चीज़ को। नेहा कुमारी दिया गया है, सर इसमें कास्ट और रेसिडेंशियल दोनों SDO का होना चाहिए। यस, ये SDO का ही दोनों होना चाहिए। उसके बाद निशा कुमारी दिया गया है, सर मेरा कास्ट SDO का ही है पर 12/9/2017, सर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? आप लोगों के बार अपडेट करा से अपडेट करने से भी ये सब पीछे डेट नहीं ना होगा, ये डेट जो है वही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसी को लेके जाइए अभी। अंजलि कुमार टुडू, इसका वैकेंसी जब निकाला था तब का PDF दीजिए प्लीज। तो इसका PDF आप लोग अगर ग्रुप में हैं तो ग्रुप में देख लीजिए, फिलहाल तो मैं इसको प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। आप लोग ग्रुप किसी में है तो ग्रुप में से मांग के देखिए, या तो फिर इससे पिछले वाला मेरा वीडियो देखिए, उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट दिया गया है लिली परमा का, इसने लिखा है कि सर मेरा रेसिडेंशियल कंडिका 2 में बना है, क्या ये रिजेक्ट हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, आपका कंडिका में जो भी कंडिका में बना हुआ है आपका बना हुआ है, रेसिडेंशियल बना हुआ है, यही काफ़ी है, आप लोग यही रेसिडेंशियल आप शो कराइए वेरिफिकेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे के सारे कमेंट थे जिसका मैं रिप्लाई आप लोगों को दे दिया, शायद आप लोगों को इससे बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिली है या तो फिर बहुत किसी को अभी भी कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा दोस्तों। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक आप लोग बहुत सपोर्ट किए, अगला पूरा रिजल्ट आने तक, फाइनल रिजल्ट आने तक मैं आप लोगों का सपोर्ट करूंगा। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया, छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक सेकंड चैनल है टेक्नो फॉर यू, इसमें मैं टेक्निकल नॉलेज रिलेटेड वीडियो, जितने भी जो बेसिक चीज़ होते हैं जानना चाहिए हर एक आदमी को, उस वैसे वीडियो अपलोड करता हूँ, और साथ ही साथ कुछ कुछ ब्लॉग भी मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ जो आप लोगों को शायद बहुत ही पसंद आएंगे, तो ज़रूर उसको भी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल घंटी को भी दबाएं, जिससे आने वाले उसके भी जितने भी वीडियो आएंगे सब आप लोगों को मिलते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।